आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट सेकंड का नया सिलेबस, जिसमें जो 2024-25 में आपके हिंदी साहित्य का नया सिलेबस क्या रहने वाला है, थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर। जैसे आप जानते हैं कि एनईपी एन न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत आपके जो फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर, अब हम पढ़ेंगे थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर। जैसे हिंदी साहित्य पढ़ेंगे, हिंदी साहित्य में फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर के दोनों अच्छे वीडियो अपलोड किए गए हैं, और अब हम सेकंड सेमेस्टर के हिंदी साहित्य के पूरी क्लासेज है वो अपलोड करेंगे। तो आप अच्छे से देखते रहिएगा, और जैसे पेपर कैसे हल किया जाता है, इस सभी के संबंध में हम बातचीत करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे राजस्थान यूनिवर्सिटी में, यानी राजस्थान यूनिवर्सिटी में क्या सिलेबस रहा है। वैसे बता दूं आपको कि राजस्थान यूनिवर्सिटी नहीं, सभी विश्वविद्यालयों में सिलेबस लगभग सेम है। बात अंतर कहाँ है, हिंदी में कहाँ अंतर आ जाता है, वो अभी हम जैसे जो ही हम पाठ्यक्रम पर चलते हैं वहां बात करेंगे। कि आप जैसे मान लो अगर अदर यूनिवर्सिटी के हैं तो आपको कौन सा वीडियो देखना चाहिए, कौन सा नहीं। जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी का हम देखेंगे, फिर एमडीएसयू का देखेंगे, महाराजा गंगा सिंह का देखेंगे, सारे विश्वविद्यालयों का जो सिलेबस है वो हम अवश्य ही देखेंगे, और उसके अनुसार हमारी जो कक्षाएं हैं वो प्रत्येक यूनिवर्सिटी का टॉपिक आपको यानी उपलब्ध करवाने का प्रयास किया जाएगा। तो आप मेरे साथ बने रहें और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों तक भी भेजिएगा, ताकि अपना जो है वो पाठ्यक्रम अच्छे से अपलोड होता रहे। तो आइए देखते हैं कि बीए सेकंड ईयर राजस्थान विश्वविद्यालय में आपके क्या सिलेबस है 2024-25 में, इस पर थोड़ा देखते हैं, चर्चा करते हैं। ये है देखिए आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान सिलेबस 2024-25, 2024-25 थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर, और थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर, और ये है आपके हिंदी लिटरेचर का। तो हिंदी लिटरेचर में कौन कौन सी चीजें हैं, क्या आपके इसमें परिवर्तन किया गया है, इसको हम जरा देखते हैं। देखिए थर्ड सेमेस्टर जिसमें आपके पहला पेपर है रीति काव्य, कौन सा है, रीति काव्य, और रीति काव्य है इसमें भी आपके जो है यानी 150 अंक वाला है, 120 अंक का पेपर प्लस 30 अंक जो है आपके कॉलेज से जो जैसे वाइवा होंगे और आपका जो लिखित भी होगा, तो 120 नंबर का जो पेपर आएगा पहला पेपर, और वो होगा रीति काव्य। अब अंकों का विभाजन देखिए आपके कैसे पेपर आने हैं, जैसे इसके तीन भाग होंगे ए बी सी, तीन भागों में से पहला भाग जो होगा उसमें आपके अति लघुतरात्मक प्रश्न होंगे 10, 10 छोटे प्रश्न पूछे जाएंगे 10 नंबर के। बी भाग होगा, बी भाग में आपके जो है यानी खंड बे प्रश्न संख्या 2, 3, 4, 5 यानी चार प्रश्न होंगे, चार प्रश्न होंगे जो व्याख्या के होंगे, कैसे होंगे, व्याख्या के होंगे, और उसमें 2, 3, 4 निर्धारित पाठ, कुल चार काव्यांश होंगे, और आंतरिक विकल्प भी होगा, प्रत्येक प्रश्न 10 अंक का होगा, कितने का होगा, 10 अंक का होगा, प्रत्येक प्रश्न 10 अंक का होगा, और कुल ये निर्धारित पाठों में से कुल चार काव्यांश, एक कवि में से एक, और आंतरिक विकल्प भी व्याख्या तो पूछे जाएंगे प्रत्येक का, तो यानी आपके चार प्रश्न होंगे, 4 × 10 बराबर ये 40 नंबर, तो ये 40 और ये 20 60 नंबर के हो गए। फिर आपके खंड से होगा 6, 7, 8, 9 चार निबंधात्मक प्रश्न होंगे, चार निबंधात्मक प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न जो 15 नंबर का होगा, तो ये 15 × 4 यानी बराबर 60, तो सी अंक है वो 60 नंबर का होगा, तो 120 अंक के पूरे प्रश्न हो जाएंगे, यानी ए खंड में आपके 20 नंबर, बी खंड में आपके 40 नंबर के, और सी खंड में से आपके 60 नंबर के, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। अब देखिए इकाई ए में आपके कौन से प्रश्न होंगे, ये देखिए रीतिकाल का सीमांकन और नामांकन, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, नामकरण से संबंधित, रीतिकाल की परिस्थितियां राजनीतिक सामाजिक सांस्कृतिक साहित्य ये पढ़ाई हुई है आप देख सकते हैं, रीतिकालीन काव्य की सामान्य प्रवृत्तियां ये भी पढ़ाई हुई है, रीति काव्य की प्रमुख धाराएं रीतिबद्ध रीतिसिद्ध रीतिमुक्त, ये तीनों थर्ड सेमेस्टर आपकी आने वाला ही है, तो आपके रीतिबद्ध के कवि कौन कौन से हैं, रीतिसिद्ध कौन से हैं, रीतिमुक्त कौन से हैं, तो इससे संबंधित आपके प्रश्न है। अब खंड बी है, इसमें देखिए आपके है ये जो है आपके पहला तो है केशवदास, केशवदास में रावण अंगद संवाद है वो आपको पढ़ना है, वो जल्दी ही आपके इसमें अपलोड हो जाएगा, और एक बिहारी रत्नाकर, बिहारी रत्नाकर के इतने दोहे हैं, 10 दोहे हैं, ये आपको जल्दी ही आपको अपलोड हो जाएंगे, आज से ही शुरू है,
तो आप इनको अच्छे से देखते रहिएगा। तीसरा है देव। देव के जो चार पद हैं, ये चार पांच पांच पद हैं, पांच पद है, 500 पद आपको देखने हैं। इनमें से पूरे जो है व्याख्या सहित अपलोड होंगे। तीसरा है आपके भूषण। भूषण के 5 पद हैं। गणानंद, गणानंद के 5 पद हैं। आपके आलम, आलम के 5 पद है। ये थर्ड इकाई थी। अब चौथी इकाई जो है, चौथी इकाई में आपके ये हैं पद्माकर। पद्माकर के 5 पद है, सेनापति के 5 पद है, और इसके साथ साथ ही ये आपका जो था वो यानी चारों पद थे, और यानी जो यहीं तक है, पद्माकर तक है आपके, यानी लगभग आपके 6-7 कवि हैं जो इनको आपको अच्छे से, यानी पूरी व्याख्या जो है, व्याख्या प्रश्नोत्तर इनसे संबंधित आपके लिए अपलोड होंगे। यानी इसमें छोटे प्रश्न भी और बड़े प्रश्न भी, हर तरह के प्रश्न जो है आपके लिए अपलोड किए जाएंगे। अब आपके सेकंड पेपर क्या आता है, देखिए इसमें आपके जो चौथा सेमेस्टर है, चौथे सेमेस्टर में आपके पेपर का नाम है कथेतर गद्य विधाएं। ये भी वही 150 वाला ही है, जिसमें से 120 का पेपर और 30 नंबर का आपके कॉलेज से संबंधित। तो इसमें इस प्रश्न पत्र में क्या है, अंक विभाजन वही है, यानी ए खंड में आपके 20 प्रश्न 20 नंबर के, बी खंड में 40 प्रश्न नंबर के, और सी खंड में वही 60 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी सी खंड में 15-15 के होंगे, और इसमें बी खंड में 10-10 के होंगे, गद्यांश आएंगे इसमें, और ए खंड में आपके 2-2 नंबर के 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब इसमें देखिए आपको क्या पूछा जाएगा, इकाई ए जो होगी इसमें नाटक से संबंधित, नाटक के परिभाषा तत्व, हिंदी के प्रमुख नाटक और नाटककार, एकांकी, एकांकी की क्या परिभाषा है, एकांकी के क्या तत्व हैं, प्रमुख एकांकीकारों के नाम, संस्मरण, रेखाचित्र, यात्रा वृत्तांत, रिपोर्टाज, आत्मकथा, इनका परिचय आपको पढ़ना है। तो यानी ये जल्दी आपको करवा दे जाएंगे। और इकाई दो में आपके जो नाटक है वो है रक्त कमल, लक्ष्मी नारायण लाल का लिखा हुआ है रक्त कमल, वो नाटक हमें पढ़ना है। तीसरी इकाई में एकांकियां हैं। एकांकियों में एक तो उत्सर्ग है राम कुमार वर्मा की, एक सीमा रेखा है विष्णु प्रभाकर की, महाभारत की एक सांझ है भारत भूषण अग्रवाल की, और एक आत्मकथा है अपनी खबर पांडे बेचन शर्मा उग्र की लिखी हुई है, पांडे बेचन शर्मा उग्र की लिखी हुई है। चौथी इकाई में आपके रेखाचित्र है सरजू भैया रामवृक्ष बेनीपुरी की है, एक संस्मरण है सुभद्रा कुमारी चौहान का महादेव वर्मा नाम से, यात्रा वृत्तांत है बेहता पानी निर्मला अज्ञेय का है, रिपोर्टाज है अदम्य जीवन रांगे राघव का लिखा हुआ है। ये 4 इकाइयों में से इनके जल्दी ही इनसे संबंधित जो प्रश्नोत्तर और ये सारे जो पार्ट हैं वो आपके लिए अपलोड किए जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियोज आपकी अच्छी हेल्प करेंगे। अब बता दूं आपको कि आपको करना क्या है। देखिए आप जैसे मान लो किसी भी यूनिवर्सिटी के हैं, तो जैसे मान लो आप फर्स्ट भाग पढ़ रहे हैं बिहारी, तो बिहारी से संबंधित जो मोस्ट क्वेश्चन है वो सभी में समान है। इसके अलावा आपके बिहारी से संबंधित जो अति लघुतरात्मक प्रश्न है वो पूरे समान है। बिहारी की काव्यगत विशेषताएं सभी में समान है, तो आप कहीं से भी है तो आप पढ़ सकते हैं। बात रही आपकी व्याख्या वाले भाग की, तो व्याख्या वाले भागों में जो दोहे बिहारी के हैं वो अलग हैं, तो अलग अलग यूनिवर्सिटी के अलग अलग होंगे। उसमें आपको दिया हुआ होगा कि ये राजस्थान यूनिवर्सिटी के लिए है, ये आपके MGSU के लिए है, ये आपके MDSU के लिए है, तो वो सभी आपको बताए जाएंगे। भाई जैसे मान लो बाकी तो सभी में है, जैसे बिहारी सभी में है, बिहारी सभी में है, आलम सभी में है, इसी प्रकार घनानंद सभी में है। ये जो जितने भी जो रीतिकालीन कवि हैं वो रीतिकालीन कवि है सभी में, जैसे MDSU में भी है, सारी यूनिवर्सिटीज में है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो जो आपको अच्छी हेल्प करेंगे, आप इसको अच्छे से पढ़ पाएंगे, और इसके लिए जो मॉडल पेपर है वो भी अपलोड करेंगे, ताकि जो है आप अच्छे से उनको तैयार कर सके। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।